ये तो गोपी जनों का भाव है अपना। तो उद्धव जब क्या करें, वो चारों तरफ से प्रश्न हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो कुछ अभी बोल नहीं रहे। अच्छा छोड़िए, ठीक है, आप इस पर मत बोलिए। क्या कार्तिक के उस आश्विन पूर्णिमा की याद करते हैं, कुवार की पूर्णिमा, जिस दिन हम लोगों के साथ वृंदावन में नाचे थे, रास किए थे, उस रात की, उस उन रात्रियों की कभी याद करते हैं क्या? यानी सब बहुवचन में है, अर्थ है कई रात्रि में भगवान ने रासलीला किया था। ताह किम निशाह स्मरत जासु तदा प्रियार्भिर् वृंदावने कुमुद कुंद शशांक रम्ये रेमे कोणत चरण नूपुर रास गोष्ठ्याम अस्माभिरीडित मनोज्ञ कथः कदाचित। उद्धव जी, कदाचित किसी समय पुरुषों के सभा में रहते होंगे तो हमारी रासलीला की याद नहीं करेंगे। श्री कृष्ण कभी, कदाचित का ये अर्थ है कि कभी आपके साथ एकांत में होते होंगे, आप अंतरंग मित्र हैं, तो कभी न कभी थोड़ी हो सकता है लज्जा अनुभव करते होंगे, मथुरा की स्त्रियों के सभा में हम लोगों की चर्चा करने में लज्जा का अनुभव करते होंगे, लेकिन कभी एकांत में कदाचित बिल्कुल लीजर टाइम में जब खाली रहते हैं, तो उस समय क्या उन रात्रियों की याद करते हैं जिन रात्रियों में हमारे साथ वे नाचे थे, नाचते रहते थे, जिन रात्रियों, ताह निशाह किम स्मरति, उन रात्रियों की, वो अनिर्वचनीय रात्रियाँ, भगवान ने जिन रात्रियों में रास किया था उनका उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो रात, उस रात में उन रात्रियों में श्री वृंदावन धाम इतना अच्छा लगता, सब कुछ उज्ज्वल, चंद्रमा का प्रकाश उज्ज्वल, कुंद का पुष्प उज्ज्वल, सब कुछ उज्ज्वल, और उस रात्रि में दिन से भी अच्छा प्रकाश होता था, शीतल प्रकाश। जासु जिन रात्रियों में, तदा उस समय आश्विन पूर्णिमा या कार्तिक में भी कई, कार्तिक पूर्णिमा और अन्य भी पूर्णिमा, वृंदावने कुमुद कुंद शशांक रम्य, जिस समय वृंदावन कुमुद कुंद और शशांक चंद्रमा से अत्यंत रम्य हुआ था, चारों ओर फूल की सुवास आ रही थी और चंद्रमा अपनी पूर्ण शक्ति से उगा हुआ था, और भगवान गोपीजनों का बांह पकड़ पकड़ करके नृत्य किए थे, रे में बहुत प्रसन्न थे, बहुत सुखी थे श्याम सुंदर, और रम रहे थे, कोणत चरण, अपने चरण को बजाते हुए नूपुर, उनके चरणों में नूपुर झनझन बजते थे और बहुत नृत्य करते थे। तो कोणत चरण नूपुर रास गोष्ठ्याम, उस रास गोष्ठी में, रासलीला में भगवान अपने चरणों से नूपुर बजा रहे थे, चरणों में लगे हुए नूपुर बजा रहे थे, नाच रहे थे। अस्मा भी रीडित मनों की कथा, हम उनकी लीलाओं का, उनके सौंदर्य का गान कर रहे थे उच्च स्वर से। श्री कृष्ण नाच कर रहे थे, उस समय श्री कृष्ण के सौंदर्य की बात हम लोग गा रही थी। उस उन रात्रियों के क्या श्याम सुंदर कभी याद करते हैं? कदाचित कभी, जब आपसे एकांत में रहते होंगे तो कभी कभी चर्चा करते हैं क्या? उद्धव जी तो मग्न हैं इस प्रेम सुख के, का दर्शन करके, सुन करके, तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो दूसरी सखियां कहती हैं, अप्यस्यति दासारहस्तप्तः स्वकृतया सुचा संजीवयन नो गात्र जथेन्द्रो बलमुदय। हे दासारह, हे जदुवंशी उद्धव जी, हम लोग श्री कृष्ण के विरह के दावानल में झुलस रहे हैं, क्या कभी हम लोगों की याद करते हैं? और कभी एक
याद करते होंगे हमारे लिए उन गोपियों ने सब कुछ छोड़ दिया और हमारे विरह में वे रो रही हैं, मर रही हैं, कैसी ऐसी याद करते हैं कि और क्या कभी आएंगे वृंदावन। अपि एष्यति इह इह वृंदावने एष्यति, आएंगे क्या कभी? आने की चर्चा आपसे करते हैं कि चलना है वृंदावन, बहुत दिन हो गया, जरूर आपसे बात करते होंगे, तो क्या कभी आपसे बात कहे हैं कि हम आएंगे? और आ करके हम लोगों को शीतल करेंगे, जैसे इंद्र झुलसे हुए वन को, फूल फुलवारी को, पौधों को हरा भरा कर देते हैं, अम्बुदय बादल से वर्षा करके जैसे वन को हरा भरा कर देते हैं, ऐसे क्या श्री कृष्ण हमारे पास आएंगे और अपने लीलामृत की वर्षा से हमको हरा भरा करेंगे? हम मर रहे हैं उनके विरह में, तो जैसे गर्मी के दिन में जेठ बैसखवा में लहरे लुअरिया फुलवरिया मुरझाई गेले होला, जेठ और बैसाख अषाढ़ तो कितना तप्त होता है वन प्रदेश, कई लताएं छोटे छोटे पौधे आदि झुलस जाते हैं, लेकिन जब वर्षा होती है वर्षा काल में तो फिर वन हरा भरा हो जाता है। क्या श्री कृष्ण हमको फिर हरा भरा करेंगे? इस विषय में घनानंद जी का एक कवित है, उसको हम लोग भगवान से निवेदन करती हैं, या उद्धव जी से कहती है कि आप जाकर कहिएगा कृष्ण से, रूपऊ जी आरे जान प्राणन के प्यारे कब, रूपऊ जी आरे जान करोगे जुनैया दैया विरह महात्मय, सुखद सुधाते हँसी हेरनी पीवाय पिए, सुखद सुधाते हँसी हेरनी पीवाय, ये हेरानी नहीं है हेरनी है, सुखद सुधाते हँसी हेरनी पीवाय पिए, सुखद सुधाते जीवही जीवाय मारी हौ देग से जमै, सुंदर सुदेश आँखे बहुरी बसाय आय, सुंदर सुदेश आँखे सिंह छबिले जैसे भुलसी ही रमाय, ये गलत, बसिंह छबिले जैसे भुलसी ही रमाय, होइ हैं सो घरी भाग घरी आनंद घन, होइ हैं सो घरी रसही बरस लाल करी हरी हमें, रसही बरस लाल करी हरी। इसका अर्थ है गोपीजन कह रहे हैं कि रूप उजियारे हे प्रियतम जान मन हे सर्वज्ञ, आपका रूप
उजाला आपका रूप जगमग कर रहा है, बहुत सुंदर हैं और हमारे प्राणन के प्यारे, हमारे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। कब करोगे जुन्हैया दया विरह महात्म, इस विरह के महात्म में, महा अंधकार में आप जुन्हैया कब करेंगे, पर कब प्रकाश करेंगे? जब महा अंधकार छाया रहता है और चंद्रमा उगता है, इसको जुन्हाई कहते हैं। कब करोगे जुन्हैया दया विरह महात्म, विरह का महात्म अंधकार छाया हुआ है, कब प्रकाश करेंगे? और सुखद सुधाते हंसी हिरणी पिवाए पिए, और सुधा से भी, अमृत से भी अधिक सुखद हंसी हिरणी पिवाए पिए, कब आएंगे और हंस करके हम पर देखेंगे, हंसते हुए हमको देखेंगे, हंसी हिरणी, ये हिरानी नहीं हिरणी, आपकी चितवन हम कब देखेंगे, आप हंस करके हम पर कब देखेंगे? पिए जियो ही जीवाए मारी हो देख सब से जमाए, आप हमारे जीव को, प्राण को कब बचाएंगे, जीव को कब जीवा करके, और हमारे में जो उद्वेग है, हमारे पास दुख है या जमराज की तरह, इसको आप कब मारेंगे? जियो ही मारी हो उद्वेग से जमाए, उद्वेग के उद्वेग जो है वही जम है, यम है, इसको कब आप मारेंगे? सुंदर सुदेश आंखें बहुरो बसाए आए, सुंदर सुदेश, सुदेश कहते हैं शरीर को, अपने सुंदर शरीर को हमारे आँखों में कब फिर बसाएंगे, हम आपको कब देखेंगे, हमारे आँखों में अपना सुंदर शरीर कब बसाएंगे? और आए बसिहो छबीले जैसे हुलसी हिए रमय, जैसे इस समय आप हमारे हृदय में हुलस बस रहे हैं, आपकी सुंदर छवि बसी है, ऐसे आँखों के सामने आप कब आएंगे? बसिहो छबीले जैसे हुलसी हिए रमय, जैसे आप विहार करते हुए हृदय में बस रहे हैं, ऐसे आकर के आँख में कब बसेंगे? छवि ले मतलब परम सुंदर छवि से युक्त श्री कृष्ण, हुई हैं सौ घड़ी, वही हैं वह में हलन, ह में हलंत है, वही हैं सौ घड़ी, क्या हमारे जीवन में वह घड़ी आएगी, वो समय आएगा भाग उघरी आनंद घन, जिसमें हमारे भाग्य खिल जाएगा, वो अवसर क्या आएगा जिसमें हमारा भाग्य खिलेगा? और हे आनंद घन, हे श्री कृष्ण, श्री कृष्ण आनंद के बादल हैं और कवि का नाम भी आनंद घन है, हे आनंद के घन, आप कब लीलामृत की वर्षा करेंगे, रस बरसाएंगे और हमको हरी करेंगे? मैं विरह से मर रही हूँ, उस हमको कब हरी करेंगे? ये करियाओं के बदले देखियाओ शब्द है, जो भी अच्छा लगे गाना चाहिए। रूप उजियारे जान प्राणन के प्यारे, कब रूप उजियारे जान करोगे जो नैया दैया विरह महात्म, सुखद सुधते हंसी हिरणी पिवाय पिए, सुखद सुधते हंसी जीव ही जीवाय मारी हौ देग से जमै, सुंदर सुदेश आँखे बहुरी बसाय आय, सुंदर सुदेश आँखे
बसिहो छबिले जैसे हुलसी रमै होइ हे सोउ घरी भागउ घरी आनंद घन होइ हे सोउ घरी भागउ घरी आनंद घन होइ हे सोउ घरी भागउ घरी आनंद घन रसही बरसी लाल करी हो हरी हमें रसही बरसी लाल रसही बरसी लाल करी हो हरी हमें तो कोई गोपी इस तरह से बोल रही है उद्धव जी से कि क्या कभी वे आएंगे और हमें हरा भरा करेंगे जैसे इंद्र बादल द्वारा वर्षा करके वन को हरा भरा करते। तो कोई दूसरी गोपी बोल रही है जो बहुत मानवती थी, भगवान से बार बार मान करती थी, तो वो बोल रही है तुम क्यों ऐसा पूछ रहे हो इनसे, कृष्ण क्यों आएंगे, जानती नहीं हो आएंगे कैसे, इतना भोले भाले होकर के पूछ रही हो। कस्मात कृष्ण यहाँ आती प्राप्त राज्य हता ही तो नरेंद्र कन्या उद्वाह प्रीत सर्व सुहृद। कृष्ण अब क्यों यहाँ आएंगे, उनको यहाँ क्या लाभ है। कस्मात कृष्ण यह आयाती, यह वृंदावन ब्रजम कस्मत आयाति, क्यों आएंगे तुमको पता है कि नहीं। और प्राप्त राज्य, अब उनको राज्य मिल गया है, मथुरा का राज्य मिला है, तो राज्य भोगना छोड़ करके गाय चराने आएंगे, इतना समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह से मत पूछो, उद्धव जी सब सुन रहे हैं ये बात। कस्मत कृष्ण यहाँ आती, कृष्ण क्यों यहाँ आएंगे। प्राप्त राज्य हता ही तो उनके सब शत्रु मारे गए, उनका अहित कंस भी मर गया, ये तो नहीं मारे भगवान ने उसको मार दिया, कृष्ण ने नहीं मारा, अपने प्रियतम पर दोष नहीं लगा सकती हैं, वो मर गया। अब कोई दुख रहा नहीं, जादुओं के समाज में हैं और राज्य प्राप्त हो गया है, राज प्राप्त हो गया और नरेंद्र कन्या उद्वाह्य, अब राजाओं की कन्याओं से विवाह कर लिए हैं, विवाह करके और प्रीत सर्व सुहृद व्रत, और सभी संबंधियों और बंधुओं के साथ घिरे हैं, तो जहाँ अपने सारे स्वजन सुखी हैं उनके अपने संबंधी बंधु बांधव नहीं, बंधु बांधव तो ब्रज में रहते हैं, उनके सारे संबंधी, संबंधी मतलब जो कई विवाह कर लिए हैं तो कितने साले उनके घर में आते रहते होंगे, मथुरा में आए होंगे मिलने के लिए, या ससुर और भी जितने हैं संबंधी बढ़े हुए हैं इनके, कुछ वसुदेव जी के संबंधी और कुछ इनके पत्नियों के संबंधी, अभी भगवान ने कोई विवाह नहीं किया है, विवाह द्वारका में होगा प्रथम बार रुक्मिणी जी से, लेकिन ये कल्पना है गोपियों की। नरेंद्र कन्या उद्वाह, तुमको पता है नरेंद्र मतलब मनुष्यों में इंद्र श्रेष्ठ है, राजाओं की कन्याओं से उनका विवाह हो गया और बहुत प्रीत बहुत प्रसन्न है। अब क्या सोचते हो क्या करके हम गाय बकरी चराने, वो नहीं आने वाले हैं, सर्व सुहृद वृत प्राप्त राज्य हताहित प्रीत सर्व सुहृद वृत।
इस समय बहुत प्रसन्न है, राजाओं की कन्या से विवाह, राजकुमारियों से। जब इतने वे सुखी हैं तो किमस्मा भीर बनव को भीर अन्या भीर वा महात्मन, श्रीपते राप्त कामस्य क्रिय तार्थ कृतात्मन। जब इतने सुखी हैं, राज्य मिल गए हैं, शत्रु सब मर गए हैं, राजाओं की कन्याओं से विवाह करके प्रसन्न हैं, समस्त सुहृद बंधु बांधवों से घिरे हैं, रहते हैं उनके साथ, तो किमस्मा भीर बनव को भी, बनव को भी, बन ही जिनका ओकह है, ओकह मैंने घर, और तुम्हारे पास और हमारे पास क्या है, हम तो वनवासिनी हैं, वन में रहने वाली, तो हम वनवासिनी वन में रहने वाली स्त्रियों के पास वे क्यों आएंगे। अस्मा भीर बनव को भी, या अन्य भीरवा जो वन में नहीं रहती हैं, घर में रहती हैं, अच्छे घर में रहती हैं, तो उनसे क्या मतलब है कृष्ण को। कृष्ण महात्मा है, महान चित्त है उनका, महान मन है। अरे वो श्रीपति हैं, श्री के भी पति हैं, लक्ष्मी के पति हैं, आप्त कामस्य, उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हैं, तो हम लोग या अन्य स्त्रियां उनका क्या अर्थ साधित कर सकते हैं। क्रियतार्थ कृतात्मा, वे कृतात्मा हैं। ऐसे भगवान का तो ये गुण है ही कि वे पूर्ण मनोरथ हैं, आत्मा राम हैं, उनको किसी स्त्री से क्या आवश्यकता है। लक्ष्मी जी पर वे देखते ही नहीं हैं, रहती है बेचारी उनके चक्कर में पड़ी है, सेवा करती रहती है, लेकिन कभी पूछे नहीं लक्ष्मी जी। महात्मा कहकर मतलब बहुत भारी वैरागी हैं, किमस्मा भी, अब हम लोगों से क्या उनका मतलब समझेगा, किम अर्थ क्रियत, हम लोग क्या कर सकती हैं। हम तो एक तो गोपी हैं, गाय की सेवा करने वाली, और दूसरे हमारा कोई घर द्वार नहीं है, वन में रहती हैं, वृंदावन में। इसके द्वारा गोपियों की महिमा प्रकट हो रही है, दिव्य वृंदावन धाम की निवासिनी गोपियां हैं। ये सब बात मत पूछो, वे आएंगे नहीं, आएंगे नहीं, इतना विश्वास रखो। किस कारण से आएंगे, कस्मात कृष्ण यहाँ आते, तब कोई गोपी कहते सबसे बड़ा सुख है किसी की आशा न रखना, किसी की आशा न रखना, यही सबसे बड़ा सुख। परम सौख्यम ही नैराश्यम, नैराश किसी से कुछ चाहना नहीं, आशा नहीं रखना, ये बहुत भारी सुख। स्वर्णी अपि आह पिंगला, जनकपुर की पिंगला नामक वेश्या ने बात कही है, ये जानकारी हुई होगी कि भगवान ऋषभ देव, भगवान दत्तात्रेय का एक गुरु वह भी है। गोपियों को इस बात का पता है, परंपरा से चला होगा, भगवान के दत्तात्रेय के 24 गुरुओं में वे एक हैं। तो जनकपुर की पिंगला नाम की वेश्या, वेश्या होकर भी स्वर्णी अपि, स्वर्णी ने बात कहा कि परम सौख्यम ही नैराश्यम, परम सुख है किसी की आशा नहीं रखना। तत् जानती नाम न कृष्णे तथा प्यासा दुलते, हम इस तथ्य को जानती हैं, इस नीति को जानती हैं, किसी की आशा न रखना यही सबसे बड़ा आनंद है, सुख है, लेकिन ये जानती नाम अपि,
हम जिस बात को जानती हैं, ज्ञान है, तथापि कृष्णे आशा दुरतया, लेकिन कृष्ण के प्रति विश्वास और आशा जा नहीं रहा। कृष्ण की आशा छोड़ देना, कृष्ण से प्रेम छोड़ देना, ये हम लोगों के लिए संभव नहीं है। जानती हैं कि इसमें दुख है और भगवान दत्तात्रेय के गुरु ने कहा, जनकपुर के वेश्या बोली थी इस बात को, उसका नाम था पिंगला। पिंगला का मतलब होता है पीक, पीक माने कोयल और गला माने कंठ, जिसका कंठ कोयल के समान हो वो है पिंगला। पिंगला, पिंगला ने इस बात को कहा, बेचारी स्वर्णी होकर के भी इस बात कही। हम जानती हैं इस बात को, समझ में बात आ रही है, विश्वास भी है कि पिंगला ने जो कहा वो सत्य कहा, तथापि न कृष्णे आशा दुरत्य। दुरत्य का अर्थ है आशा को लांघ जाना या विश्वास छोड़ देना है कृष्ण आएंगे, ये जा ही नहीं रहा है। हमको पूरा विश्वास है, आशा है कि वो आएंगे, हमसे प्रेम करते हैं, तो एक आशा भी टूट जाती कि नहीं आएंगे तो सुखी कुछ होती, क्योंकि नैराश्य परम सुख है। लेकिन हे सखी, यह भी सुख भाग्य में नहीं लिखा है। आशा लगी रहती है, आज आएंगे, आज शाम हो गई तो सवेरे आएंगे, तो फिर दोपहर को आएंगे, शाम को आएंगे, हमेशा आशा लगी रहती है कि आएंगे आएंगे। क उत्सहेत संत्यक्तुम उत्तम श्लोक संविदम। खास करके हे सखी, हे उद्धव, वो जो बात बोलते हैं, कुछ कहते हैं, तो कौन ऐसा है जो उनके संविद को, बात को त्यागने का उत्साह कर सकता है? कौन ऐसा है जो ये भी सोच भी सकता है कि कृष्ण झूठ बोलते हैं, ये करते हैं? ऐसा कभी हो? उनकी बातों में इतनी मधुरता है, इतनी मधुरता है, उस पर से विश्वास हटा लेना असंभव है। और किसी के लिए, पुरुष के लिए भी, कोई का अर्थ कौन, कौन ऐसा है जो उनकी बातों को, बातों पर अविश्वास करे या बातों को त्यागने का उत्साह भी करे? त्यागना तो दूर रहा, छोड़ने की इच्छा भी नहीं कर सकता, उत्साह भी नहीं कर सकता। उत्तम श्लोक संविदा, अरे उत्तम श्लोक हैं श्री कृष्ण, उत्तम उनका जस, श्लोक माने जस, तमोगुण से परे है, माया से परे है, और जो तम को पार कर चुके हैं ऐसे महापुरुष जिनके जस का गान करते हैं, या उत्तम श्लोकों में, छंदों में जिनका जस गाया गया है। बहुत सुंदर ग्रंथों में भगवान के बारे में बहुत सुंदर वर्णन है, ये अर्थ है। उत्तम श्लोक संविदम, संविदम का अर्थ है उनके बारे में जो सम्यक जानकारी दी गई है। गीता का श्लोक या भागवत में उनके विषय में कहा गया है, इनको छोड़ पाने का उत्साह कौन कर सकता है? खास करके वे डायरेक्ट कुछ बोलते हैं, बांसुरी बजाते हैं, तो उनके गीत को सुनने की इच्छा कौन त्याग सकता है? बहुत सुंदर बोलते हैं और इतना मीठा कंठ है, इवन झूठी बात भी बोलते हैं तो इतना अच्छा लगता है कि उसको छोड़ने का साहस कर ही नहीं सकते। अरे जानते हैं कि झूठ बोल रहे हैं, परंतु छोड़ना कठिन है। क उत्साह तो संत्यक्तुम उत्तम श्लोक संविदन, अनिच्छतोपि यस्य श्री रंगा न च्योते। अब यही देखो, उदाहरण दे रहे गोपी कि श्री उनके चक्कर में ऐसा पड़ी है लक्ष्मी, और अनिच्छत, वे लक्ष्मी को चाहते नहीं है, अनिच्छत, वो इच्छा नहीं करें कि लक्ष्मी हमारे साथ रहे,
लेकिन इतनी उपेक्षा करने के बाद भी नहीं चाहते हुए भी लक्ष्मी उन्हीं के अंगों पर रहती है और हटती नहीं है। जस्य अंगात वक्षसः इति, जिनके वक्षस्थल से श्री हटती ही नहीं है। श्री का एक अर्थ है सौंदर्य लक्ष्मी, ये संपद लक्ष्मी तो है ही, भगवान नारायण की पत्नी लक्ष्मी माता, लेकिन ये लक्ष्मी कभी श्री कृष्ण को छोड़ती नहीं। जस अंगात क्वचित न च्यवते, च्यवत नहीं होती, हटती ही नहीं। तो और कौन है जो श्री कृष्ण को छोड़ दे? भले कृष्ण प्रेम का प्रतिदान करें या न करें, तो लक्ष्मी तो बेचारी पड़ी रहती है, या तो चरण में पड़ी रहती है या वक्षस्थल पर। श्री कृष्ण चाहते नहीं हैं कि लक्ष्मी उनके साथ रहे, अनिच्छत अपि। तो जब श्री कृष्ण इतनी उपेक्षा करते हैं लक्ष्मी की, फिर भी लक्ष्मी उन्हीं के लिए बेचैन है, उन्हीं की सेवा में रहती है, बल्कि उनके शरीर से हटती ही नहीं है, तो कौन श्री कृष्ण का संग छोड़ सकता है? श्री कृष्ण की बात कौन त्याग सकता है? और विशेष करके श्री कृष्ण के बारे में जो संविदाएँ दी गई हैं, जानकारियाँ दी गई हैं, सम्यक जानकारी, जैसे श्रीमद् भागवतम, इसमें भगवान कृष्ण का सम्यक ज्ञान दिया गया है, संविदा कहते हैं। तो श्री कृष्ण के संविद को कौन छोड़ सकता है? श्री कृष्ण की कथा भी नहीं छूट सकती है, दुस्तेजस तत् कथार्थ। और श्री कृष्ण की बातें, चिकनी चिकनी बातें, कोई नहीं छोड़ सकता। बातें चिकनी हैं और ये भी पता है कि झूठी है, भी फिर भी नहीं छोड़ा जा सकता। और क्या कहें उद्धव जी, इस ब्रज में कई चीजें हैं ऐसी जिनको देखने पर श्री कृष्ण का स्मरण होता ही रहता है। बहुत दुख है कि ब्रज छोड़ करके कहीं जा भी नहीं सकती हैं, और ब्रज में वो जहाँ लीला किए हैं वो चीजें जिस गिना रही हैं, सरी छैल बनो देशा गावो वेणु रवाई में, शंकर सण सहाय न कृष्ण न चरिता प्रभु पुनः पुनः स्मारयंती नंद गोप सुतम बत श्री निकेत स्तत पद कर विस्मर्तुम नैव शक्नुम। तो उद्धव जी ने कहा यदि कृष्ण का स्मरण नहीं छूटता है तो कुछ उपाय कीजिए, जमुना जी के किनारे जाकर कुछ टाइम बिताइए, या गिरिराज जी के तरफ कभी समय बिताइए, घर छोड़ करके वृंदावन में जाइए, और भी जो ऊंचे प्रदेश हैं से काम में बन है और सब, वहाँ जा करके बिताइए। तो गोपियाँ कहती हैं कि इनसे और स्मरण होता है। सरी छैल बनो देशा गावो बीण रमाई में, हे उद्धव जी, ये सरिताएँ मानसी गंगा और जमुना, जब हम उधर जाती हैं तो इन नदियों को देख करके बहुत अधिक स्मरण होने लगता है श्री कृष्ण का। यही स्मरण होता है कि मानसी गंगा के तट पर बैठ करके बांसुरी बजाते थे, जमुना में जलकेली करते थे, जमुना के किनारे गाय चराया करते थे, वहीं हमको पनघट पर पानी भरने से रोक रहे थे, रुकते रहते हैं, फूल चुनने से रुकते हैं, वही लीलाएं याद आती। और वृंदावन में जाती हैं तो विविध लीलाएं और रास लीला आदि का स्मरण होता है। और गाय, यहाँ जब गायों को देखती हैं उसी दृश्य की याद आती रहती है कि श्री कृष्ण गाय चलाते थे, गाय दुहते थे। और वेणु रवाई में, उस समय जब उद्धव जी बैठे थे गोपियों के साथ तो कुछ बच्चे इधर उधर बांसुरी बजा रहे थे,